आसपास उन्होंने देखा या उनके घर से ही संबंधित कोई ऐसा व्यक्ति जो बर्तन साफ कर रहे हैं, तो इस तरह के कुछ चित्र दिखा करके उनसे हम लोग बातचीत कर सकते हैं और फिर बाद में ये पूछ सकते हैं कि इन सारी चीज़ कॉमन बात थी या क्या लगा इन चीजों को देख करके, कैसे काम थे जो सभी कर रहे हैं और ये काम को हम कितना महत्व देते हैं, ये काम हमारे सोसाइटी में कैसे देखा जाता है, हमारे समाज में कैसे देखा जाता है, क्या इसको उतनी महत्व दिया, महत्व क्या हम इसको इतना देते हैं या थोड़ा हम नीचे करके इसको देखते हैं, कोई स्वीपर है, कोई महिला साफ कर रहा है, कोई बर्तन साफ कर रही है, कोई मजदूरी कर रहे हैं, तो ये काम है पर इस काम को हमारे समाज में उतना तवज्जो नहीं मिलता है जितने दूसरे कामों को मिलता है या उतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। तो थोड़ी चर्चा जो थीम है, जो कहानी है वो इन्हीं सब बातों के इर्द गिर्द है। तो इसीलिए मैंने ये जो एक्टिविटी बनाई है उस कहानी से संबंधित बनाई है और ताकि मैं इन चीजों पर बात कर पाऊं कि इस तरह के जो काम जिसको हम नहीं उतना वेटेज देते हैं वो ऐसा क्यों होता है, क्यों वेटेज नहीं देते, और जो कि जरूरी काम है, इसके बिना हमारा काम भी नहीं चलेगा पर हम उतना इसको महत्व नहीं देते। तो इस तरह की चर्चा करने के बाद हम कहानी पर आते हैं और उनको कहानी सुनाते हैं। जैसे अभी मैं आपको सुना कर बताऊंगी, बस मैं कहानी आपको स्क्रीन पे शेयर कर दूं। उम्मीद है आपको ये मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा। तो आपने देखा कि मैंने प्री एक्टिविटी में कुछ तस्वीरें दिखाई बच्चों के साथ, उसके माध्यम से मैं चर्चा करूंगी और चर्चा करने के बाद फिर मैं कहूंगी कि चलो अब एक कहानी सुनते हैं और कहानी का नाम है काली और धामिनसा और जिसको लिखा है जटाई विटिकर ने और चित्र बनाया है श्री विद्या नटराजन ने। तो बच्चों से मैं यहाँ थोड़ा अनुमान लगाने को कहूंगी कि कहानी के कवर पेज को देख करके आपको क्या लगता है, कैसी कहानी होगी, किसकी कहानी होगी, चित्र में आपको क्या दिख रहा है, ये बच्चा है जो सांप लपेटे हुए है उसको देख करके आपको क्या लगता है, क्या होगा कहानी में। थोड़ा उनको मैं यहाँ पर पुश करूंगी कि वो अनुमान लगाए और जो भी वो सोच पा रहे हैं कवर को देख करके उसको बताएं, और जो जवाब उनके आएंगे 2-4-5 जवाब लेने के बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगी और फिर कहानी सुनाना शुरू करूंगी। तो अभी बिल्कुल मैं वैसे ही कहानी सुनाऊंगी जैसे मैं बच्चों को सुनाती हूँ। काली चला जा रहा था जंगल के कांटों वाले रास्ते पर, धीरे धीरे वह स्कूल जा रहा था। काली के पिता इरुला कबीले के सबसे मशहूर सांप पकड़ने वालों में से थे। बारिश के मौसम में इस बार उन्होंने 100 से भी ज्यादा नाग पकड़े थे और परिवार के लिए ढेर सारी अच्छी अच्छी चीजें खरीद कर लाए। सांप शाकाहारी संघ हर जहरीले सांप के लिए 150 रुपए देता। वे सांपों से जहर निकाल कर उससे दवा बनाते, एंटी वेनम सीरम। काली जब पिताजी के साथ सांप पकड़ने निकलता तब उसके पैर मशीन की तरह तेज चलते पर अब वे चल रहे हैं बिल्कुल धीरे। नफरत है मुझे स्कूल से, उसने झाड़ियों से कहा, और स्कूल को मुझसे। पर झाड़ियों ने ना तो उसकी बात समझी ना उन्हें अफसोस हुआ। 2 महीने हो चुके मुझे स्कूल जाते हुए और एक भी दोस्त नहीं है मेरा। लगता है कि हम इरुला लोगों को वे बड़े अजीब समझते हैं। स्कूल के पहले दिन हर छात्र को खड़े होकर बाकी सबको 3 चीजें बतानी थी, अपना नाम, अपने गांव का नाम और पिता का नाम। मेरा नाम रामू है,
मेरा गांव मेलूर है और मेरे पिता बस कंडक्टर हैं। पहला बच्चा बोला, फिर सेल्वी और तू पोस्टमैन। जब काली की बारी आई वह गर्व से गुब्बारे जैसा फूल उठा। मैं काली हूँ, मेरा गांव कौंतूर है, मेरे पिता सांप पकड़ते हैं। सब एकदम हंस पड़े, एक दूसरे को कोहनी मारने लगे, जैसे उसने कोई बेवकूफी की बात कह दी हो। जिंदगी में पहली बार काली को अपने इरुला होने पर नाज नहीं हुआ। काश वह भी दूसरों की तरह होता, किसी बस कंडक्टर बाप का साधारण सा बेटा। खैर, यह तो 2 महीने पहले की बात थी। काली को अब इसकी आदत सी पड़ रही थी, मुश्किल था फिर भी, और उसकी स्कूल वाली चाल और भी धीमे हो चली। पर जितना भी धीमे क्यों ना चलो, स्कूल अंत में आ ही जाता है। स्कूल के फाटक तक पहुंचते पहुंचते घंटी बज गई। हमेशा की तरह काली सबसे पीछे जाकर बैठा अकेले। काश उसका कोई दोस्त होता, काश वह फेल होकर स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता। पर फेल होना भी कोई आसान बात थी? कोशिश तो की थी उसने, पर वह पाठ को कितना भी बुरा क्यों ना लिखे, मास्टर जी खुश हो रहते। उस सुबह गणित का लेखन था, फिर नाश्ते की छुट्टी। बच्चे खाना खाने बाहर दौड़े, कोई इडली लाया था तो कोई सेव मिक्सचर या डबल रोटी या फिर 2-3 बिस्किट। काली ने अपना डब्बा खोला, अयो तले हुए दीमक, वैसे तो उसके मन पसंद, पर किसी ने देख लिया तो कहीं छुपकर खाना पड़ेगा। वह दूर दीवार पर जा बैठा, सबसे अलग, और जल्दी से खा गया। दीमक खाने में यहाँ उतना मजा नहीं आता जितना कि घर में। कोई पास आकर देख ले तो, मैं क्या लाया हूँ पूछ ले तो उसे चिंता रहती। घंटी बजी यानी छुट्टी खत्म। मास्टर वही थे लेकिन अब पाठ अलग, अंग्रेजी। उन्हें अपनी स्लेट पर वर्णमाला लिखनी थी। मास्टर जी छड़ी लिए कमरे में घूम रहे थे। किसी ने बड़ी बड़ी गलती की तो हाथ पर मार पड़ती। मैं भी स्लेट पर गंदा लिखूंगा, फिर मुझे भी मार पड़ेगी दूसरों की तरह, काली ने सोचा। मास्टर जी आकर सामने खड़े हुए, मगर पिटाई की जगह काली को शाबाशी मिली। ये देखो, मास्टर ने उसकी स्लेट उठाकर सबको दिखाया, मुझे तुम सबसे ऐसा काम चाहिए। सब अब सारे बच्चे उससे और भी नफरत करेंगे। सब अब आपस में खुसुर फुसुर करने लगे। अब तो उसे कभी कोई दोस्त नहीं मिलने वाला। तभी अचानक कमरे में हंगामा फैल गया। बच्चे ऐसे भागे कि एक दूसरे पर धड़ाम से गिरे, उठकर गिर फिर भागे। चारों ओर चीखना चिल्लाना, बचाओ मास्टर जी बचाओ। पर मास्टर जी तो खुद अपने मेज के नीचे छिपे बैठे थे, आंखें और हाथ से छत की ओर इशारा कर रहे थे। आखिर अब जाकर काली को समझ में आया। अब यहाँ पर थोड़ा रुक करके हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि क्या देखा होगा, क्या हुआ होगा कमरे में, क्यों हंगामा मचा होगा, और फिर बच्चों के कुछ रिस्पॉन्सेस लेने के बाद फिर हम कहानी में आगे बढ़ सकते हैं। छत पर एक बड़ा धामिन सांप लटका था। जरूर उसने चूहों का गंध सूंघकर छप्पर में उनका पीछा किया होगा और गलती से कक्षा में आ पहुंचा था। काली के पिता कहते थे, कभी कभी सांपों को इंसानों और चूहों की गंध एक सी लगती है। शायद इसने सोचा होगा, मजा आ गया, चूहों से भरा कमरा। धामिन छप्पर में ताड़ के लट्ठे से लिपटा था। नीचे के अजीब शोर शराबे भाग दौड़ को ठीक से देखने के लिए उसने अपनी गर्दन दूर से आगे बढ़ाई। धीरे धीरे उसका शरीर लट्ठे से खुलने लगा। अब क्या होगा, काली जानता था, और हुआ भी वही।
फिर यहाँ पर थोड़ा रुक करके पूछ सकते हैं कि आगे क्या हुआ होगा, क्या किया होगा काली देव, क्लास में क्या हुआ होगा, तो कुछ अनुमान वाले प्रश्न पूछ करके फिर उनसे जवाब ले सकते हैं। फिर आगे हम कहानी में बढ़ेंगे। धब, नीचे गिरा सांप, अब तो उद्धम और बढ़ गया। कुर्सियां धड़ाम से गिरी, सिर टकराए, तंजा भिड़े दीवार से, जमीन से, एक दूसरे से। मास्टर जी अब मेज के नीचे नहीं, ऊपर थे, बचाओ बचाओ चिल्लाते हुए। सांप बेचारा बुरी तरह घबरा गया, वह कमरे में इधर से उधर सरका। इस पर बच्चे भागे इधर से उधर, जैसे कोई दानव उनके पीछे पड़ा हो। कुछ क्षणों के लिए काली इतना हैरान था कि वह कुछ न कर सका। उसके इरुला लोग हमेशा सांप की ओर जाते हैं, उनसे दूर नहीं। ये सब पागल हो गए हैं क्या? धीरे धीरे वह सांप की ओर बढ़ा, फिर उसने हाथ आगे बढ़ाया। कमरा अचानक बिल्कुल शांत हो गया, ना कोई आवाज, ना कोई हिलना। धामिन सांप ने घोड़े की तरह अपना सिर पीछे झटका और वह फुंकारा और झपटा। किस्मत से काली का हाथ चूक गया। बड़े धामिन सांप के काटने से बहुत दर्द होता है, मन में यह सोचते हुए काली ने सांप के सिर के पीछे से अपनी गर्दन को झट से उसकी गर्दन को झट से पकड़ा। अपने दूसरे हाथ से उसने सांप के लंबे तगड़े शरीर को कस के पकड़े रखा। सांप 6 फुट से भी लंबा था और देखते ही देखते काली को पूरा लपेट लिया। तो इस तरह से आप थोड़ा रुक करके बच्चों से पूछ सकते हैं कि अभी उसने काली को लपेट लिया है, तो अब वो अब क्या होगा? क्या काली उससे छूट पाएगा, काली उससे निकल पाएगा, या फिर कुछ और होगा? मतलब उनके थोड़े और उनके मन में जो चल रहा है वो जानने के लिए आप इस तरह के अनुमान वाले सवाल फिर से पूछ सकते हैं। उसके बाद फिर आप कहानी में आगे बढ़ते हैं। उसे रखने के लिए अब एक बड़ा बोरा ढूंढना पड़ेगा, काली ने सोचा। वह उसे पिताजी के पास घर ले जाएगा। वंडलूर चिड़ियाघर में धामिन सांप के लिए अच्छा दाम मिलेगा। अपनी छोटी बहन के लिए वह कपड़े खरीदेगा। पर यह आवाज कैसी? कहीं कोई और सांप तो नहीं निकल आया? घबरा कर उसने ऊपर देखा। सब लोग ताली बजा रहे थे, खुशी से चिल्ला रहे थे, काली काली शुक्रिया। खुशी से काली की आंखें गीली हो चली। वह मुस्कुराया और फिर तालियां और भी जोर से बजने लगी। बचा लिया, एक लड़का बोला, कितने बहादुर हो तुम। अब से तुम मेरे पास बैठना, नहीं मेरे पास। और वे झगड़ने लगे। तुम्हें इतना बहादुर होना किसने सिखाया? कक्षा के धौंसिया रमेश ने पूछा। चलो बताओ, तुम्हें जो चाहिए हम दे, तुमने हमारी जान जो बचाई। खैर अभी तो मुझे बस एक बोरा चाहिए, काली ने कहा, बड़ा सा, इस सांप को रखने के लिए। 10 बच्चे भागे बोरे की खोज में। कनखियों से काली ने देखा कि मास्टर जी अब मेज से नीचे उतर रहे थे। मास्टर जी काली की ओर आए पर ज्यादा नजदीक आने से रुक गए। बेवकूफ बच्चों, उन्होंने डांटा, डर क्यों गए थे तुम? बेकार में इधर उधर भागे एक बिना जहर वाले सांप को देखकर। मास्टर जी वापस अपनी मेज की ओर चले। जैसे ही उनकी पीठ मुड़ी, काली और बाकी बच्चे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, छिपी छिपी मुस्कुराहटे जैसे होती है दोस्तों के बीच। तो
ये कहानी थी काली और धामिन साहब की, जिसमें आपने देखा कि जो काली है उसको उसको कितना एक स्ट्रगल कहें तो करना पड़ा कि ताकि वो अपने कक्षा में अपना प्रेजेंस बना पाए, उसको एक्सेप्टेंस मिले। और कैसे भेदभाव को भी आपने देखा। उसके बाद जब आप कहानी खत्म कर ले तो फिर बच्चों के साथ चर्चा कर सकते हैं कि उन्हें कहानी में क्या अच्छा लगा, या फिर कहानी को सुनते वक्त उनके मन में क्या आ रहा था, और इस तरह के कुछ सवाल कर सकते हैं उनके, मतलब एक इनिशियल रिस्पांस ले सकते हैं कहानी के ऊपर। और क्योंकि इसमें बहुत सारे अर्थ आपको देखेंगे आप कहानी में, क्योंकि जो थीम है वो उस कहानी का जो सेंट्रल आइडिया है वो एक भेदभाव काम के, क्योंकि उसके पिता सांप पकड़ते थे, तो जो काम जो सांप पकड़ने का है वो उस तरह से हमारे समाज में उसको उस तरह से इज्जत नहीं दी जाती है। तो एक जो काम उसको लेकर के जो उसके अंदर एक काली के अंदर था कि लोग उस तरह, मतलब एक और जो ट्राइब से भी वो बच्चा आ रहा था, तो जो एक एक्सेप्टेंस नहीं है उस बच्चे के लिए, या फिर जो उसको एक जो हम भेदभाव को देख पा रहे हैं, चाहे वो जाति की वजह से या काम की वजह से, वो सारी चीजें ये किताब ये कहानी एड्रेस करती है। तो इसके इर्द गिर्द आप बच्चों के साथ चर्चा कर सकते हैं, उनको उनके अनुभव को ले सकते हैं, जो बीच बीच में सवाल पूछेंगे आप रीड अलाउड के दौरान, उसमें अनुमान लगाने की जो आप अवसर दे रहे हैं वो सारी चीजें। और फिर जब आप कहानी पढ़ ले सुना ले तो कुछ इस तरह के सवाल भी आप पूछ सकते हैं बच्चों से, जहां पर उनके और भी जहाँ चिंतन कर पाए वो, जहां पर कल्पना कर पाए, जहां थोड़ा विचार करके उनको उत्तर देना पड़े, ऐसे सवाल भी आप पूछ सकते हैं कि जैसे आपके विचार से काली और धामिन सांप कहानी किस मुख्य मुद्दे पर बात करती है, स्कूल में बच्चों के बीच दोस्ती, ग्रामीण विद्यालय में सांप निकलने की समस्या, या जो ये और शिक्षकों का डरपोक होना, सामाजिक भेदभाव, और इस तरह से आप फिर भेदभाव के ऊपर बातचीत कर सकते हैं। फिर एक सवाल इस तरह से हो सकता है कि इस कहानी में एक घटना घटती है जब कक्षा में सांप छत के रास्ते घुस आता है, बच्चे डर जाते हैं, शिक्षक मेज के नीचे छिप जाते हैं, यदि आप उस कक्षा के टीचर होते तो क्या करते? तरह से कुछ आप विकल्प उनको दे सकते हैं, या फिर विकल्प ना देते हुए उनसे कुछ सुन सकते हैं उनके जवाब की, अगर आप शिक्षक होते तो क्या करते। जैसे मैंने यहाँ कुछ ऐसे विकल्प ले रखा है, अगर आप ऑनलाइन करा रहे हैं कर रहे हैं रीड अलाउड, तो आप फिर विकल्प दे सकते हैं, और फेस टू फेस अगर आप कर रहे हैं तो आप सवाल पूछ करके ओपनली छोड़ सकते हैं उनका जवाब आने के लिए। जैसे कि सांप निकलने के बाद पर भाग कर ऑफिस में जाते और मदद मांगते, अपनी छड़ी से सांप का मुकाबला करते, मेज के नीचे घुस जाते और बच्चों के साथ शोर मचाने लगते, बच्चों को सुरक्षित कक्षा से बाहर निकालने की कोशिश करते। फिर एक इस तरह का सवाल हो सकता है कि मैं काली हूं, मेरा गांव कौंतूर है, मेरे पिता सांप पकड़ते हैं। काली इन बातों को सुनकर कक्षा काली के इन बातों को सुनकर कक्षा में सभी क्यों हंस पड़े? तो इस तरह के उनसे सवाल करके जवाब ले सकते हैं, चाहे तो आप इस तरह के विकल्प भी उनको बता सकते हैं। दूसरा सवाल ये हो सकता है कि यदि यदि काली अपने विद्यालय की घटना में सांप नहीं पकड़ पाता तो क्या उसकी सामाजिक स्थिति में कोई बदलाव आ पाता? अब इस सवाल को आप खुला करके और खुला छोड़ सकते हैं, या कुछ विकल्प दे करके भी बातचीत की जा सकती है। फिर एक और इस तरह का सवाल हो सकता है कि क्या आपने भी काली की तरह अपने जीवन में कभी खुद के साथ हुए किसी भी तरह के भेदभाव महसूस किया है? अगर किया है तो वो क्या है? क्योंकि ज्यादातर इस तरह के आप देखेंगे कि कभी ना कभी घटना ऐसी कुछ घटती है जिसे जहां पर आपको ऐसा महसूस, बच्चों को भी, हमारे जीवन में भी, बड़ों को भी होता है कि कुछ भेदभाव ऐसे हमने भी फेस किया हो, तो वो फिर
अपने अपने अनुभव से जोड़ते हुए जवाब देने का मौका ये सवाल देता है। यदि आपने खुद के साथ भेदभाव महसूस किया है तो ऐसा अनुभव किस कारण के से हुआ था? भाषा की वजह से, क्षेत्र की वजह से, लिंग, जाति, काम या अन्य, या फिर आप खुला छोड़ करके वो पूछ सकते हैं और फिर थोड़ा उनसे डिटेल में सुन सकते हैं कि वो क्या हुआ था भेदभाव, वो बताएं। या फिर जो बच्चा बोलने में बहुत फ्री महसूस नहीं कर सकता करता है, आप लिखवा भी सकते हैं बच्चों से कि कुछ एक पैराग्राफ वो लिख करके दे, क्योंकि वो बताना नहीं चाहते, लिख के देने में ज्यादा कंफर्टेबल है। तो उस तरह के आप रीड कहानी सुनाने के बाद आप इस तरह के प्रश्नों को जगह दे सकते हैं। तो ये जो मैंने ये बताया, यहाँ तक जो प्रक्रिया थी वो रीड अलाउड की थी। कहानी को हाव भाव से, आवाज के उतार चढ़ाव से सुनाना, कहानी के पहले कुछ बातचीत करना और कहानी के बाद में भी बातचीत करना, और बीच में भी आप अनुमान और अनुभव वाले सवाल पूछना, ताकि और बीच में जब हम बात करते तो इससे पता भी चलता है कि बच्चे हमारे साथ हैं कि नहीं कहानी में, तो वो भी एक तरीका है ये जानने का।